नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सार्दुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ देसी मिठाई जिसका नाम है बेसन की बर्फी। बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसके अंदर कुछ हैवी भी नहीं है जैसे खोया वगैरह। रसोई घर में मिलने वाले सामान से ही ये बन जाएगी दोस्तों, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं दोस्तों रसोई घर में और बनाते हैं बेसन की बर्फी। तो मैंने लिया दोस्तों ये 400 ग्राम बेसन और 300 ग्राम चीनी और ये इलायची के दाने हैं और ये कढ़ाई, ये पलटा और ये घी 400 ग्राम, और मैंने ये बेसन डाल दिया है कढ़ाई में। अब मैं इसमें घी डाल के इसमें घी डाल देते हैं दोस्तों। अभी हम थोड़ा घी डालेंगे, फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे। और अब बेसन को घी में भूनेंगे दोस्तों। अब इस बेसन को अच्छे से भूनना है दोस्तों घी में, तब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए और सौंधी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक इसको अच्छे से धीमी आंच में हल्के से हिलाते रहेंगे। बेसन का रंग चेंज होने लगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा हमें। घी के अंदर बेसन फूलेगा दोस्तों और बेसन घी छोड़ेगा। अब इसको और पकाना पड़ेगा थोड़ा। अब गैस बंद करके मैं चाशनी बना लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने थोड़ा पानी डाल के इसमें ये 300 ग्राम चीनी डाल दिए दोस्तों। अभी ये चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। इसमें हमें एक तार की चाशनी चाहिए जो अभी बन के तैयार हो जाते, और इसमें वो इलायची के दाने कूट के इसमें डाल देंगे तो उसमें खुशबू अच्छे से मिल जाएगी दोस्तों इसमें। और फिर इसको ये अपन चाशनी बन के करीब करीब तैयार ही है दोस्तों ये। और अब हम इसको बेसन में डाल दी है चाशनी, और अब इसको जल्दी से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों, ताकि ये जो बुलबुले से ये गांठे से दिखाई दे रही हैं इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखो अच्छे से मिल गई है दोस्तों। अब हमें इसको जल्दी से मिलाना है दोस्तों, नहीं ये इस कढ़ाई में ही जम जाएगी। तो ये काम हमें जल्दी से करना है। ये देखो दोस्तों ये अच्छे से मिल गई है। अब इसको एक थाली में घी लगा के फिर उसमें निकालेंगे। ये देखो मैंने निकालते ही ये थाली में जम भी गई, और इसमें ये बादाम के टुकड़े इसमें ऊपर से डाल लेंगे। ये अच्छे से सेट हो गई है दोस्तों। अब इसको पलटे से इन बादाम के टुकड़ों अच्छे से दबा देंगे ताकि इसमें सेट हो जाए।
और फिर चाहें तो इसको 4-5 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडी भी हो जाए और जम भी जाएगी दोस्तों अच्छे से। और पहले हम इसको पीस काट लेंगे। अब हम इसके चौकोर पीस काट लेंगे दोस्तों। ये कट भी सही रही है, इसका मतलब ये अच्छे से जम गई है दोस्तों। और साइड में जो ये रह गई उसको इसको हटा देंगे हम ऐसे, ये कॉर्नर में ये जो अच्छे से नहीं जमी उसको हटा देते हैं। और फिर इसको चौकोर पीस हम काटते जाएंगे और फिर इसको 4-5 मिनट फ्रिज में रख के इसको निकाल लेंगे। ये देखो अपनी बेसन की बर्फी तैयार है दोस्तों। तो ये थी सरल विधि बेसन की बर्फी बनाने की दोस्तों। जब भी इच्छा हो खुद खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। और जिसको बेसन की बर्फी पसंद है दोस्तों वो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।